मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भारत दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका स्वागत हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवर इब्राहिम का स्वागत किया और उन्हें गले लगाया तो यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अनवर इब्राहिम एक विवादास्पद शख्सियत रहे हैं और उनके कई बयान और निर्णय उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रखते हैं। पत्रकार रणविजय सिंह द्वारा दिए गए कुछ तथ्यों के अनुसार अनवर इब्राहिम हमास का खुलकर समर्थन करते हैं। यह संगठन फिलिस्तीन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा अनवर इब्राहिम ने पिछले साल एक हिंदू युवक को खुलेआम इस्लाम कबूल करवाया था, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों के संदर्भ में एक संवेदनशील मुद्दा है। इसके अलावा अनवर इब्राहिम ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को मलेशिया में पनाह दी है। जाकिर नाइक भारत में कई आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें धार्मिक कट्टरवाद फैलाने और घृणा भड़काने के आरोप प्रमुख हैं। नाइक की उपस्थिति और गतिविधियों को लेकर मलेशिया और भारत के बीच पहले से ही तनाव रहा है। इन तथ्यों के बावजूद अनवर इब्राहिम का भारत दौरा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। भारत और मलेशिया के संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस दौरे का उद्देश्य उन्हें और अधिक मजबूत बनाता है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कूटनीति संबंधों की मजबूती के लिए ऐसे व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक रूप से इस तरह का मेलजोल उचित है जो विवादों के घेरे में है। इसे लेकर बहुत सारे यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। राहुल सिंह सुरवार नाम के यूजर ने कहा कि अब ये तो अंधभक्तों के जले पर खुद मोदी जी नमक छिड़कने लगे हैं, इनका हिंदू हृदय सम्राट तो फर्जी निकला। वहीं राखी अरोड़ा इस पर लिखते हैं कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, भक्तों को सहन करने की शक्ति मिले, जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखते हुए ये फैसला मोदी जी ने लिया है। एक यूजर ने कहा कि आ गले लग जा मेरे यार। सुमंत सरकार इस पर लिखते हैं कि धीरे धीरे जनप्रियता कम होने के रास्ते पर। मीनू तिवारी ने कहा कि ऐसी खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं मोदी जी और जनता बेकार ही परेशान होती है। अनुज जैन नाम के यूजर इस पर लिखते हैं कि देख रहे हो अंधभक्त बाबू। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहे प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम के इस मुलाकात पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय कॉमेंट में हमें साझा कर सकते हैं और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।